अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू चैनल। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल रात 10 बजे हम निकले थे जम्मू से, अभी हम पहुंच चुके हैं पंजाब सरंद में। ब्रेकफास्ट कर लिया है, टाइम हो गया है इस टाइम 9:30। तो ब्रेकफास्ट कर लिया तो अभी आ गए हैं, गाड़ी स्टार्ट कर दी है, अब अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। हम कल रात भी चल सकते हैं लेकिन यहाँ पे बॉर्डर बंद कर दिया है किसानों ने, जिसकी वजह से हम रुक गए थे रात को, क्योंकि बाकी रास्ते नहीं मालूम थे। तो इसलिए अब निकलेंगे यहाँ से तो फिर उसके बाद अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। कल रात शायद ने गाड़ी यहाँ पे खड़ी की थी, वो हाईवे है वहाँ से। ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब कुछ देर में यहाँ से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। लाओ बोलो उसको, लाओ भाई साहब। 1:30 बज चुके हैं और पंजाब की हालत कर दी खराब है, सारे रास्ते बंद है। पिछले 3 घंटे से हम रास्ते ढूंढ रहे हैं। चलो चलो, सारा पंजाब बंद करके रख दिया है। सुबह सुबह हमको 30 किलोमीटर वापस आना पड़ा दूसरे इस रास्ते पे, लेकिन इस रास्ते पर भी ना तकरीबन 1 या 2 घंटे से हम जाम में फंस चुके हैं। पूरा पंजाब बंद करके रख दिया है। कोई भी गाड़ी हाईवे यूज नहीं कर रही है, ना छोटी ना बड़ी, पूरा बंद है। शंभू बॉर्डर वहां पे किसान ऐसे बैठे हैं चुपक के, उस पे किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, पैदल भी नहीं छोड़ रहे हैं वो। सुबह से हम रास्ते ढूंढने में लगे, हालत खराब कर दी है यहाँ। बस हमको भी थोड़ा सा ही जाना है, उसके बाद हमको भी आगे से मुड़ना है, यूपी में एंटर हो जाएंगे। तो टाइम हो गया, 2 बज चुके हैं, हाईवे पे पहुंच चुके हैं, बाद मतलब यूपी में एंटर हो जाएंगे। तो अभी हम रुक गए हैं, 2 बज चुके हैं, अभी खाना खाएंगे उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से भी हालत ख़राब कर दी है, सुबह निकले हैं अभी पहुँच, मतलब दिन भर चल रहे हैं गाँव की गलियों में से। तो पहले खाना खाएंगे उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। शायद लगा है टायर चेक करने, कहाँ गया। कर दो जरा वो देखना, वो ठीक है वो वाला। हाँ तो पहले खाते हैं खाना। चार बज चुके हैं, अभी तक जाम में ही चल रहे हैं। पिछले 2 घंटे से ऐसे ही आराम से चलते चलते आ रहे हैं। हाईवे खुला है लेकिन उस पे चलने नहीं देते हैं, पता नहीं क्या मसला है। सब जगह ने पुलिस ने बंद करके रखा है। तो अभी हम चल रहे हैं, यहाँ से हमें पहुँचना है यमुनानगर। तो यहाँ से तकरीबन होगा 10-20 किलोमीटर होगा शायद, 10-20 किलोमीटर होगा यमुनानगर यहाँ से। मतलब कि सुबह से हमने जो सफ़र स्टार्ट किया ना, कुछ भी सफ़र नहीं निकला है, दिन भर जाम में। भूखे प्यासे, शायद भूखा प्यासा है इसलिए खाना नहीं खाया है, क्योंकि ये ठीक नहीं था, ये गाड़ी चला रहा है शायद, इसलिए खाना नहीं खाया था। बोला कि तबीयत ठीक नहीं है तो उस वजह से खाना नहीं खाया। अब इसको चाय पीनी थी लेकिन ये जाम में फंस गया, खाने से लेके अब तक। अभी निकले हम जाम से, अब चल रहे हैं, यहाँ से यमुनानगर पहुँचना है। तो यमुनानगर से लेके सहारनपुर, तो चल रहे हैं हम शायद सहारनपुर। 50 किलोमीटर है क्या गाइस,
50 हाँ 50 किलोमीटर। अच्छा भूख तो नहीं लगी? भूख तो बहुत लगी है भाई। होटल वाले अब ढूंढ लो ना कहीं पे चाय पीते हैं। कोई ढूंढने की कोशिश कर रही है, टोल भी आ गया, टोल प्लाजा आ गया वहाँ पे होगा, टोल के पास होगा शायद। टोल के पास होगा, वहीं पे रुक जाओ। जो होटल पे ना, हाँ रहना यूपी में बिहार में जाओ, इधर होटल पे चाय पीने का मजा नहीं आता। अच्छा चाय रेड़े वाले है ना, रेड़े वालों के पास चाय अच्छी होती है। क्या तो अपना बनाते हैं। चलो ठीक।